हार्ट बीट बहुत ज़्यादा डाउन जाने लग जाती है, और अगर टाइमली सी सेक्शन ना किया जाए तो बच्चा माँ के पेट में फौत हो जाता है। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बात करनी है कि जब लेबर पेन स्टार्ट हो जाती है, दर्दों के दौरान जो बच्चे की धड़कन ख़राब हो जाती है, आप में से अक्सर लोग इस बात को के विटनेस होंगे कि हार्ट बीट ख़राब होने की वजह से जो है वो ऑपरेट करना पड़ जाता है, तो उसकी क्या वजूहात होती हैं और ये क्या होता है धड़कन ख़राब होना। मैंने आपको काफ़ी दफ़ा ये बात बताई है कि माँ के पेट के अंदर जो बच्चा होता है वो डायरेक्टली कुछ खा पी नहीं रहा होता, बल्कि वो माँ के खून से जो 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 डाइट और ऑक्सीजन और एवरीथिंग है वो ले रहा होता है। अब दर्दों के दौरान क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ऑलमोस्ट 30-45 सेकेंड के लिए यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब यूट्रस सिकुड़ती है तो उस सूरत हाल के अंदर क्या होता है, बच्चे की तरफ ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। लेकिन जब यूट्रस रिलैक्स होती है तो फिर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर ब्लड जो होता है वो बच्चे की तरफ फ़्लो करना शुरू हो जाता है, और इसमें ये होता है कि जो एक मिनट के अंदर, सॉरी 10 मिनट के अंदर मैक्सिमम 4 से 5 पेन्स आती हैं हाफ सेकंड की, बाकी टाइम में पेन नहीं होती है। यानी ऑलमोस्ट 10 मिनट के अंदर जो है वो 2 मिनट या 2.5 मिनट के लिए क्या होता है, नॉर्मली बच्चे की तरफ खून नहीं जा रहा होता, बाकी टाइम के अंदर जा रहा होता है। ये बिल्कुल एंड की दर्दों की बात कर रही हूँ। शुरू में जब लेबर पेन स्टार्ट होती है तो बाद शुरू में क्या होता है कि आधे घंटे में एक पेन आती है, फिर आस्ता 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 आधे घंटे में 2 पेन्स आ रही होती हैं, फिर इस तरह से होता है कि हर 10 मिनट बाद एक पेन आ रही होती है, और जैसे ही डिलीवरी का टाइम ज़्यादा आता जाता है तो ये जो दर्दों का जो वक्फ़ा है वो कम होता जाता है। तो ऑलमोस्ट जो एंड वाला 1 घंटा होता है उसमें तो 10 मिनट में 3 से 4 दफ़ा पेन आती है, और बाज़ूकात 5 दफ़ा भी आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि वो वाला जो दौरानिया होता है, चूँकि वो डिलीवरी बिल्कुल होने वाली होती है, तो उस सूरत के अंदर क्या होता है कि हम जो है वो बच्चा इतनी देर उसके अंदर रिजर्व्स होते हैं कि वो इतनी पेन्स को बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन क्या ऐसी वजूहात होती हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है? पहली बात ये कि अगर बच्चे के गिर्द पानी कम है तो दर्दों के दौरान क्या होता है कि बच्चे की कॉर्ड कंप्रेस होने लग जाती है। कॉर्ड जो बच्चे का नाड़ू है, जब वो दबता है तो बच्चे की तरफ खून बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे की तरफ ऑक्सीजन की मिकदार कम जाती है, गुज़ाइयत की मिकदार कम जाती है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाता है, और उस डिस्ट्रेस की वजह से बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होने लग जाती है। इसी तरह से अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, IUGR है, यानी उसकी ग्रोथ कम है, नॉर्मली टर्म के बच्चे का कम से कम 2.8 से 3 केजी तक वज़न होना चाहिए, अगर बच्चा लो बर्थ वेट है, वजह चाहे जो भी है, उस सूरत हाल के अंदर भी जो बच्चे की जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो अगर पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, ज़ाहिर है कि थोड़ी थोड़ी कमी पहले से चलती आ रही है, तो अगर एकदम से ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, यानी दर्दें बहुत ज़्यादा लग जाएँ, तो उस सूरत हाल के अंदर में भी बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है। इसके अलावा अगर बच्चे की आवल दर्दों के दौरान फट जाती है तो इस सूरत हाल में भी एकदम से हार्ट बीट बहुत ज़्यादा डाउन जाने लग जाती है, और अगर टाइमली सी सेक्शन ना किया जाए तो बच्चा माँ के पेट में फौत हो जाता है। अब एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी वजह जो बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होने की है वो ये है कि अगर आपको आपका अभी डिलीवरी का टाइम नहीं हुआ है और उससे पहले ही आपको बहुत ज़्यादा हैवी डोज़ के अंदर, हैवी मेडिसिंस के अंदर मेडिसिन से पेन्स लगवाई जाएं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ड्रिपें दर्दें लगवाने की लगाई जाएं, तो उस सूरत हाल के अंदर भी चूँकि दर्दें बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती हैं तो बच्चे के दिल की धड़कन ख़राब होने का ख़दशा है। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि 39 वीक्स तक, मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 40 वीक्स तक तो नहीं, लेकिन 39 प्लस 2-3 वीक्स तक मैं कोशिश करती हूँ कि खुद बखुद पेशेंट को पेन आए,
हमें दवाई ना ही देनी पड़े, क्योंकि जो नेचुरल पेन्स आती हैं वो स्टार्ट में बहुत हल्की होती हैं और एंड टाइम पे जो है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती हैं, और उससे ये होता है कि बच्चा उसको बड़े आराम से बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन जो ओवुलेशन इंडक्शन होती है, जो आर्टिफिशियल पेन होती है, वो फ्राम 0.1 से ही बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की होती हैं। तो एक तो उसमें डोज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि कम डोज़ यूज़ करें, मिनिमम डोज़ जितनी WHO ने रिकमेंडेशन दी हुई है वो यूज़ करें। इसी तरह से दो दवाइयां हैं, एक है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टिन के नाम से आती है, ग्लैंडिन के नाम से आती है, वो ज़िंदा बच्चे के ऊपर जो है वो यूज़ करनी चाहिए। हमारे छोटे सेटअप्स के अंदर अक्सर एक माइजोप्रोस्टोल टैबलेट होती है, उसको यूज़ किया जा रहा है, हालांकि WHO और जो फूड ड्रग अथॉरिटी है उसने जो इसका इस्तेमाल अलाइव बच्चे के ऊपर मना कर दिया हुआ है। इनको सिर्फ डेड बच्चे की एक्सपल्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी पेन्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो लिहाजा माइजोप्रोस्टोल, ब्रीकी या इस टाइम किस्म की जो दवाइयाँ हैं वो ओवुलेशन इंडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर माँ का ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और माँ को शुगर का मसला है, तो इसका मतलब ये है कि उसके ब्लड प्रेशर और शुगर की वजह से पहले बच्चा कॉम्प्रोमाइज्ड है, और दर्दों के दौरान अब उसकी हार्ट बीट वेरी कर सकती है। अगर माँ की शुगर बहुत कम हो जाए, यानी उसने प्रॉपरली कुछ खाया नहीं है, प्रॉपर पी नहीं रही है, उसको उसके खून की कम, उसकी पानी की कमी हो जाती है, तो उस सूरत हाल के अंदर भी बच्चे की जो धड़कन है वो ख़राब हो जाती है। इसी तरह से बहुत सारे हमारे पेशेंट्स जिनको पहले से एकदम दर्दों की वजह से एंड टाइम पे जब हेड के ऊपर कंप्रेशन आता है सर्विक्स की वजह से, तो दिमाग के अंदर कुछ एरियाज़ होते हैं जो कि बच्चे की हार्ट रेट और उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं, उनके ऊपर जब दबाव पड़ता है तो उससे भी बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है। ये बहुत वक्ती सा फिनोमेना होता है, इसको हम अपनी ज़ुबान में Type 1 एक्सेलरेशंस कहते हैं। ये जो है वो जब दर्द होती है तब रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है, अच्छा कंसल्टेंट इसको आइडेंटिफाई कर लेता है और उसको पता होता है कि ये नॉर्मल ही जा रहा है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। और इसी तरह से बहुत सारे जो मेडिसन्स हैं वो भी बच्चे की हार्ट बीट को अफेक्ट कर रही होती हैं। अगर आप कोई ऐसी मेडिसन मरीज़ ले रहा है या उसकी प्रिस्क्रिप्शन में शामिल है, बच्चे की हार्ट बीट जब भी ख़राब हो, तो एक दफ़ा उसका ड्रग चार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। माँ को अगर बुखार है या किसी दवाई की वजह से माँ की हार्ट बीट ज़्यादा हुई है, तो उसके रिफ्लेक्स में बच्चे की हार्ट बीट भी ज़्यादा हो सकती है। बच्चे की हार्ट बीट दो पैटर्न से ख़राब होती है, या तो वो बहुत 120 से लेके 160 तक नॉर्मल हार्ट बीट के पैटर्न है। अगर 120 से कम होगी तो इसको हम ब्रैडीकार्डिया कहेंगे, अगर 160 से ज़्यादा होगी तो इसको हम टैकीकार्डिया कहते हैं। तो इस सूरत हाल के अंदर जो है वो ये थी कुछ वजूहात जो हम देखते हैं कि इस वजह से बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है। अब अगर एक दफ़ा बच्चे की दिल की धड़कन ख़राब हो जाती है तो फौरन ही सी सेक्शन के लिए भागना बिल्कुल ठीक नहीं है। बाहर के ममालिक के अंदर क्या होता है, स्कैल्प ब्लड लिया जाता है बच्चे का और उसकी pH चेक की जाती है। ये सहूलत पाकिस्तान में मैसर नहीं है, इवन बहुत ज़्यादा हाई फाइट सेंटर्स के अंदर भी मैसर नहीं होती है। तो लिहाजा अगर बच्चे की हार्ट बीट ख़राब होती है, तो सबसे पहले आपने माँ को जो मेडिसिन जा रही है, पेन वाली ड्रिप जा रही है, उसको स्लो करना है। उसके अलावा पेश आपने फौरन जो है वो लेफ़्ट लेटरल करवट पे लटा देना है, और उसको जो है वो प्लेन ड्रिप, पानी की प्लेन जो ड्रिप है वो अटैच करनी है, ऑक्सीजन लगा देनी है। बहुत सारे मरीज़ों की हार्ट बीट, बच्चे की हार्ट बीट इसी में मनोमन से नॉर्मल की तरफ आ जाती है। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं नॉर्मल होती है, तो फिर उस सूरत हाल के अंदर हमें बच्चे का सी सेक्शन करना पड़ जाता है, क्योंकि अगर हम इसको डिले करें तो इससे ये हो सकता है कि बच्चा जो है वो टाइम से पैदा होते वक्त फौरन से क्राई ना करे, आगे जाके उसके मेंटल माइलस्टोन्स में प्रॉब्लम आ सकते हैं, या हो ये भी हो सकता है कि बच्चे को अगर हम लेट करते हैं तो बच्चा पेट के अंदर फौत हो जाए, और वो जो हमारी 9 महीने की मेहनत है वो हमारी
ज़ाया हो जाए। तो बहुत सारे जो फीटल डिस्ट्रेस के ऊपर सेक्शंस अगर हो रहे हैं, अगर वो ना हो तो बच्चा पेट में फौत हो सकता है। तो जब कभी भी आप में से किसी के साथ फीटल डिस्ट्रेस का वो हुआ हो, तो वो अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर ने अडल्ट्री की। अगर तो जेन्युइनली बच्चे की हार्ट बीट 120 से कम हो गई, 80-90 पे चली गई, तो ये ब्लेसिंग है कि आपका सजेरियन हो गया और आपका बच्चा बच गया। तो ये कुछ वजूहात हैं बच्चे के दिल की धड़कन ख़राब होने की। इस पर किसी किस्म की आपको एडवांस अगर इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर फर्दर बात कर सकूं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।